राम बाबू जी, आपने एक बहुत गूढ़ी बात पूछी है जी, और अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे जिले हैं भारत के, करीबन आधे ऐसे जिले हैं जिनमें कि कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है जी, लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन जो है वहां पे अपनाया गया है। उसके दो कारण हैं। पहला ये तो है कि आमतौर पे एक डिस्ट्रिक्ट में लोग एक ही जगह पर नहीं रहते, उस डिस्ट्रिक्ट में भी बाहर से लोगों का आवागमन होता रहता है जी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मरीज है जो कि वहां पे कोरोना वायरस से पीड़ित है और वो अगर एंट्री करता है तो फिर अगर हम उस जगह पे ध्यान नहीं रखते हैं तो वहां पे दूसरों को वो संक्रमित कर सकता। दूसरी बात ये है कि जब कुछ लोग हैं और 100 में से अगर आंकड़े देखते हैं तो करीबन ऐसे 80 लोग हैं जिनको कि बाहरी रूप से कोई लक्षण नहीं है जी, और हम जितनी भी टेस्टिंग कर सकें, हम पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों की तो टेस्टिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे जी, बिल्कुल, कोई भी कंट्री नहीं कर पाएगी और ना ही करना जरूरी है। तो अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो वो सैंपल टेस्टिंग होती है, या तो वो मरीज जिनमें कुछ लक्षण है या वो जो कि दूसरे के साथ जिसमें लक्षण है उससे मिला है या वो पॉजिटिव है, और आज से कुछ दिन पहले तक जब लोग बाहर से भी आ रहे थे जी, तो वो लोग, अगर हम उन लोगों की टेस्टिंग एक जगह पे जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर रहे हैं जी, तो फिर वो लोग जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम ऊपर से देखने में नहीं है जी, लेकिन शायद उनके अंदर कोरोना वायरस है जी, तो वो दूसरों में ना फैला सके, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो जाती है। और वैसे ये बात कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, वैसे मैं आपको एक और चीज थोड़ी सी हंसी की है वो कहना चाहूंगा जी, कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि हम सोसाइटी से दूर हो जाएं। बिल्कुल ठीक, हमने एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर होना है लेकिन मानसिक और सामाजिक रूप से जुड़े रहना है जी, बिल्कुल, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, जो हमें वैसे बहुत साल पहले करना चाहिए था, अच्छी मेडिकल एडवाइस है, क्योंकि मान लीजिए किसी को प्लेन जुकाम ही है जी, तो वो भी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है अगर कोई दूसरा उसके बिल्कुल पास खड़ा है। ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस भी हम दूसरे व्यक्ति को खांस कर दे सकते हैं अगर वो व्यक्ति हमारे बहुत पास है। तो जो डिस्टेंसिंग है वो कई तरह की बीमारियों से हमको भी बचाता है और दूसरों को भी हमसे बचाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ से दूसरे लोग जो हैं वो तो घर वाले हैं अपने या पास पड़ोसी हैं।